नमस्कार वाईफा किंग 24 मीडिया। नहीं था खौफ योगी का, साजिद और जावेद ने बदायूं में शर्मनाक घटना को अंजाम दिया। दो सगे भाइयों को अस्तूरे से गला को रेत दिया। तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से दर्दनाक घटना को अंजाम दिया। नहीं था कोई डर, कोई खौफ नहीं, और मासूमों की जान ले ली। आपको बता दे, सूत्रों से पता चला है कि जाकिर नाइक के भड़काऊ भाषण की वजह से ये घटना को अंजाम दिया गया था। वाइस ऑफ किंग 24 मीडिया। कुछ पता चल पा रही कि किस वजह से मारा है? कुछ नहीं पता, हम कोई को दुश्मनी थोड़ी थी ना। तंत्र विद्या तो नहीं थी उसकी? हमें बताया नहीं, वो तो बाल काटता था, सभी के बाल, पूरी कॉलोनी बाल काटता था। क्या बोला, बुला के ले गया ऊपर को। क्या ब्लड ब्लड भी पिया था उसने? ब्लड भी पिया था क्या? हमें कुछ पता नहीं। तो दो बच्चों को काट दिया? दो को काट दिया, तीसरे को मारना चाह तो हमें भी काट देता सबको। तो क्या घर में आया था आपके? क्या तो आया बताना नहीं, मैं पड़ोस में उसकी नाई की दुकान, नाई की दुकान पकड़ी है। दुकान कौन सा मोहल्ला आई है? कौन सा मोहल्ला आई है? ये दोनों बच्चे आपके कौन थे? मेरे वो तो है, लड़का के बच्चा है। एक तो एक ही है मेरा, एक तो पीयूष को मार दिया। नहीं नहीं, आयुष और उसके हाथ में मारा, चोट लगी। अच्छा, आयुष और एक बता दिया। वो जो सैलून वाले भैया थे वो लोग आए थे, तभी ऊपर में छोटे बड़े वाले भाई को ऊपर ले गए। फिर पता नहीं क्यों मारा, फिर मुझे भी मारने लगा। मैंने उनका चाकू हटाकर उनको धक्का देकर नीचे भाग आया। अच्छा, आपको भी मारने की कोशिश की? कुछ कहीं चोट तो नहीं लगी आपको? नहीं, लगी है। कहाँ लगी है? ये एक मिनट में सामने लगी है, लगी है और हाथ में लगी है। कुछ कह रहा था उस टाइम, जिस टाइम वो जो है मार रहा था, कुछ बोल रहा हो, कुछ कह रहा हो, कुछ सुना हो आपने? नहीं। क्यों किया ऐसा? कभी कोई झगड़ा हुआ था? कभी क्या हुआ, क्या था, क्यों किया उसने ऐसा? कुछ पता है आपको? आप लोग दुकान जाते थे, कभी कोई बात हुई हो, कभी उसने गुस्से में बोला हो या कुछ और? नहीं। कुछ आपको याद आता है उससे आखिरी बातचीत आपकी क्या रही होगी, जब आप कभी दुकान गए हो या कुछ और? दुकान जाती थे आप उसकी कभी कभी कटिंग वाली कराने? इन्हीं के यहाँ रोज कटवाते थे, इन्हीं के दादा थे कटवाने। अच्छा, तो उस टाइम कभी कुछ उसने कहा हो या कभी गलत तरीके से बातचीत की हो? कभी कुछ गलत नहीं लगा? अच्छा, तो कल जब ये आया तो कितने लोग आए थे? दो लोग आए थे। अच्छा, दोनों यही दुकान में काम करते थे? दोनों की दुकान है ये? दो भाई भाई। अच्छा ठीक। सर, क्या घटना हुई थी कल? सर कल घटना क्रम कुछ इस प्रकार का है कि ये जो व्यक्ति है आरोपी साजिद, वो अपना खोखा नाई का वो जो पीड़ित परिवार उसके घर के सामने रहता है, उसके घर में आना जाना भी था उसका। और कल शाम को 7:30 बजे ऐसा बताया गया है कि वो सीढ़ियों से घर में आया और ऊपर छत पर सीधा चला गया। जाकर के वहां उसने जो दोनों बच्चे खेल रहे थे उन पर आक्रमण किया और दोनों बच्चों की हत्या कर दी। और वहां से फिर नीचे निकल के आया और जब वो जाने लगा तो भीड़ ने उसको पकड़ने की कोशिश की, लेकिन भीड़ से निकल के वो भाग गया। पुलिस को सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंच करके स्थिति को संभाला, और जब ये पता चला कि वहां से भाग गया है तो उसकी तलाश में टीमें भी निकाल दी गई। थोड़ी देर के बाद ही सूचना मिली कि शेखुपुर के जंगल में ब्लड स्टेन कपड़े, जो बच्चों का जो खून लगा था उस तरह के कपड़ों में कोई व्यक्ति भाग रहा है। पुलिस ने घेराबंदी की, उसने पुलिस पार्टी पर फायर किया, जवाबी फायर में उसकी मृत्यु हो गई। सर, हत्या जिस हथियार से की, क्या हथियार था वो और कहाँ है वो, क्या पुलिस के पास? वो हथियार बरामद हो चुका है, जो ब्लड जो मर्डर वेपन था वो हथियार बरामद हो चुका है और जो कट्टा था वो भी बरामद हो चुका है। अच्छा, और सर बता रहे हैं, परिवार बता रहे हैं कि दो लोग आए थे, दोनों भाई जावेद और साजिद। तो परिवारजनों के द्वारा FIR जो लिखाई गई उसमें उसके भाई को भी नामित किया गया है। जावेद जो उसका भाई है वो भी नाई का ही काम करता है, उसकी तलाश में भी टीमें निकाल दी गई हैं और बहुत जल्दी उसको भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। क्रिमिनल बैकग्राउंड इन दोनों का, जावेद साजिद या इनके घर में किसी का? अभी तक जो लोकल थाना है उसमें तो इनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं मिला, लेकिन बाकी जगह भी तलाश कराई जा रही है। हत्या की वजह क्या लग रही है, क्योंकि कल आए, पैसे मांगे, पैसे मिल भी गए थे? उन्होंने जो FIR में बताया है, घर वालों से जो बात हुई है उनका कहना है, और घर के जो उसके जो पिता हैं बच्चों के, कि उसने 5,000 रुपये मांगे थे, वो पैसे उसको मिल भी गए थे, लेकिन उसके बाद उसके दिमाग में क्या बात थी इसके बारे में अभी और गहराई से तलाश की जा रही है। मोटिव क्या था और पता किया जा रहा है, और जैसा भी आगे जो फैक्ट्स पता चलेंगे उसके आधार पर अपनी कार्रवाई करेंगे। रंजिश के बारे में पता लगा? पुरानी रंजिश अभी तक कोई समझ में नहीं आई।